ये ब्लॉक ब्लॉक में जाए, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में जाए, वहां में आप YTF का मेंबरशिप कलेक्शन करो, आप मेंबरशिप ड्राइव करो, और जो ग्रेटर तिपरालैंड का मूवमेंट है नवंबर का महीना, मैं YTF का 1200 मेंबर को, मिनिमम 1000 को मैं दिल्ली ले जाऊंगा जंतर मंतर में ग्रेटर तिपरालैंड। अभी कोरोना चल रहा है, इसके लिए दिल्ली भी बंद है, मैं चाहता नहीं हूं कि कोरोना स्प्रेड हो। आप लोग, अगर हम लोग 30 जगह से, 35 जगह से, अगर हमने हर जगह से 25-30 लिया और 1000 आदमी किया, व्यक्ति किया, तो मैं उनको दिल्ली ले जाऊंगा जंतर मंतर में। दिल्ली सुनेगा ग्रेटर तिपरालैंड का डिमांड। यहां में हमारा बुरुई है, हमने TWF शुरू किया, कल ऑब्जर्वर्स का लिस्ट भी निकल जाएगा। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज हम लोग का मीटिंग हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया गया कि जैसे जैसे मणिपुर में ओनली फॉर वुमेन एक मार्केट है, वुमेन्स ओनली मार्केट मणिपुर में, वैसे ही हम अपना तिपरा सा महिला के लिए वुमेन्स ओनली मार्केट खुमुलुंग में खोलने वाला है। यहां में आपका टॉयलेट फैसिलिटीज होगा, सिर्फ महिला का दुकान होगा, क्योंकि कोई भी सोसाइटी, यहां में रेप होता है, यहां में ड्रग्स लिया जाता है, कोई भी सोसाइटी जहां में यूथ और बुरे लोग सेफ नहीं है, नशा में है, वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ता है। हम लोग बोलता है बांग्लादेशी गो बैक, इलीगल माइग्रेंट गो बैक, बांग्लादेशी गो बैक बोलता है, लेकिन जो बॉर्डर से जो ड्रग्स आता है उसको तो हम लोग रोकता नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का भी 2-3 लोग है जो इस बिजनेस में है। आपका काम है ऐसा लोगों को खुला हाथ नहीं देना। हम लोग का बुमा बदल हो, बुरुई हो, आप लोग यूथ हो, लोगों ऐसा लोगों को पकड़ो। ग्रेटर तिपरालैंड का कल बिल काउंसिल में पास हुआ, हुआ कि नहीं? सुना आप लोग ने? आज अतिशा हम लोग के संग मर्ज हुआ, अनकंडीशनली नहीं हुआ, अनकंडीशनली अतिशा हम लोग का संग नहीं आया है। जो भी बोलना चाहता है कि अतिशा थोड़ा पावर देख के आ गया, मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, अतिशा अनकंडीशनली नहीं आया, कंडीशन लेके आया। वो कंडीशन क्या है मिस्टर पितौर? तिपरालैंड, और बुबाकरा ने बोला ग्रेटर तिपरालैंड। कल जो हमारा YTF के प्रेसिडेंट ने बोला, प्रपोजल इनसे गया, यूथ से गया, प्रपोजल यूथ से गया, और मैंने बात किया, कैसा लगा? अगर ऐसे ही हम लोग का MP पार्लियामेंट में बोलता, अगर ऐसे ही हम लोग का IPFT का जो MLA है या मंत्री है अगरतला में 3.5 साल से है, एक बार भी ऐसा एक बार बात करता, तो आज हम लोग का, उन लोगों का ये परिस्थिति नहीं होता। क्योंकि दोफा के लिए बोलने के लिए ना, आपको पावर और पद के बारे नहीं सोचना चाहिए। अगर आप पावर और पद के पीछे रह गया तो 5 साल तक रहेगा मंत्री, 5 साल तक रहेगा MLA, लेकिन वो 5 साल के बाद पब्लिक उनको माफ नहीं करेगा। पहला काउंसिल सेशन में जो पिछले 10 साल से ये लोग धमकी दे रहा था, हताई कदर में रोड ब्लॉकेट कर रहा था, खुमुलुंग में कर रहा था,
हम लोग ने पहले बार ऑफिशियली वो बिल को पास किया है और ये बिल अब गवर्नर के पास जाएगा। और एक बात सोच लो, जब ये बिल पास हुआ तो बीजेपी का जो एमडीसी लोग था विरोध कुछ नहीं बोला, चुप रहा, मतलब अनअपोज पास हुआ है ये बिल, ये रिकॉर्ड में है। कल कोई इसको नहीं बोल सकता कि हम ये सच था कि नहीं, ये रिकॉर्ड में है कि बीजेपी का जो 9 एमडीसी और एक इंडिपेंडेंट एमडीसी था उन्होंने ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का बिल को अपोज नहीं किया, चुप रहा लेकिन अपोज नहीं किया, तो ये रिकॉर्ड में है। कल अगर कोई आके बोले ग्रेटर त्रिपुरा लैंड पॉसिबल नहीं होबे ना, वही लोग को पूछने बोलो जब कोई बोलता है विरोत्तर भारत विश्व बंगो अखंड भारत, जब वो लोग सोच सकता है, जब नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब से पाकिस्तान जा सकता है करतारपुर बॉर्डर के लिए, क्योंकि उस तरफ में भी सिख इस तरफ में भी सिख, कोई उसको बोला नहीं। जब CAA पास होता है और बोलता है कि जो भी माइनॉरिटीज है बांग्लादेश और पाकिस्तान में उसको इंडिया में जगह दिया जाएगा, और यहां में बम फटाता है तो कोई ने पूछा नहीं, यहां में बम फटा जिस दिन CAA पास हुआ, मिठाई बांट रहा था लोग, किसी ने पूछा? तो जब हम लोग का ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बिल पास हुआ, हमने बम फटाया, हमने मिसाइल निकाला, तो किसी को अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं। आज इंडिया में बहुत कम लोगों को मालूम है लेकिन एक सामी कम्युनिटी है जो चार चार देश में है, लेकिन उनका एक सिंगुलर पार्लियामेंट भी है, चार देश उनको रिकॉग्नाइज करता है। हर चीज इलेक्शन से लड़ा नहीं जाता है, हर चीज इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन तो होते रहेगा, कभी कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन मैं आज भी आप बीजेपी IPFT CPF के लोगों को बोलो, आज भी अगर हम टिपरासा लोग एक होकर दिल्ली गया और दिल्ली में जाकर होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को बोला कि 70 साल से हम लोग का अन्याय हो रहा है, आप तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, कोई पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, देश का है, आप हमारे ऊपर न्याय करो, आप न्याय करो, आप न्याय दो, क्यों नहीं देगा? अच्छा, नाम से प्रॉब्लम है, नाम से प्रॉब्लम है, त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, त्रिपुरा, तो ठीक है आप नाम दे दो, हमको कोई आपत्ति नहीं, नाम में क्या है, नाम में क्या है, आप नाम दे दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली हमको हमारा अधिकार आप दो जैसे दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को दिया है। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम क्या कि हम लोग का जो लीडर है ना खुमलों में बहुत बड़ा भाषण देता है, रक्त दे दे बे, जान दे देगा, लेकिन जैसा माइक सामने आया काउंसिल में, जैसा असेंबली में पार्लियामेंट में जब बात करना पड़ता है सबके सामने, तब शेर अंदर जाकर चूहा बन जाता है, क्योंकि त्रिपुरासा को धमकी देना में क्या है, हम तो त्रिपुरासा को धमकी दे रहे हैं। अगर अगर हिम्मत दिखाना है तो वहां में दिखाओ जहां में सब देख रहा है आपको, यही तो हम लोग का प्रॉब्लम है, और इसके लिए यूथ को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वो एक जनरेशन हमेशा सर कुछ दे दो, सर कुछ दे दो, मोर पावर मोर पावर मोर पावर, मतलब मोर चाकुई मोर मांगुई, क्या है मोर मोर, हमको घर चाहिए यार, आप हमको थोड़ा खाना दे देना, ऐसा नहीं, रंग से कुछ नहीं होगा, अधिकार चाहिए, जिस अधिकार के लिए विजय बाबू फाइट किया, जिस अधिकार के लिए मैंने ब्रू के लिए फाइट किया, जब
मैं ब्रू के लिए फाइट कर रहा था, सबने क्या बोला, होबे ना, मिजोरम जाओ, होबे ना, यहां में पूरा आप दैनिक संवाद से लेके सब न्यूज़पेपर का आप देख लो, मेरा पुराना कांग्रेस पार्टी का भी लीडर लोग ने बोला होबे ना, मिजोरम जाओ, बीजेपी का स्टेटमेंट देख लो, सबका स्टेटमेंट देख लो। मैं दिल्ली गया, अमित शाह से मिला, अमित शाह को समझाया, उसने वो समझा, मैं उनका आभारी हूं। और आज जो बोलता था होबे ना, आज त्रिपुरा में हमारा ब्रू का सेटलमेंट का